हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है आर्ट बाय प्रवीण। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पेंसिल कौन कौन से टाइप की आती है और बिगिनर्स के लिए कौन से पेंसिल्स बेस्ट होती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड जल्दी से उसको देखिए। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंसिल के कौन कौन से शेड्स आते हैं, उनका मतलब क्या होता है और कौन सी पेंसिल कहाँ पे कब यूज़ होती है। सो, अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी पेंसिल कब यूज़ करनी है, ग्रेड्स का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पे दो पेंसिल सेट लिए हैं क्योंकि इसमें आपको वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी पेंसिल का सेट खरीदते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स होती है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि 8B, 6B, 4B, 2B, B, फिर H, 2H। तो आपने कभी नोटिस किया कि नंबर्स होते क्या है एक्चुअली में, इनका मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, HP का मतलब क्या होता है? तो काफ़ी सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। जो 8B, 2B जो वो नंबर्स की पेंसिल होती है, उसमें B का मतलब होता है कि ब्लैक। तो जितना बड़ा नंबर होगा 6B, 8B, 10B, उतना ही वो ज़्यादा डार्क होगा, B का मतलब ब्लैक। तो जितना बड़ा नंबर उतना ही हमारा पेंसिल उतना ही डार्क होगा। एंड H का मतलब होता है हार्ड, 3H, 4H, 5H। तो जैसे ही नंबर जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही हमारा पेंसिल हार्ड होता जाएगा। पेंसिल हार्ड मतलब पेंसिल की जो लीड होती है वो हार्ड होगी, और ब्लैक जितना ही इंक्रीज होगा उतनी ही वो सॉफ्ट होगी। तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जितनी ही पेंसिल डार्क होती है वो जब उनको शार्प करते हैं तो जल्दी से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो लीड होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दो पेंसिल्स है, एक है 10B और एक है 2B। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो 10B की पेंसिल है मेरी, ये वाली, उसका पॉइंट देखिए आप, कितना डार्क है, कितना मोटा है। एंड दूसरी तरफ मेरे पास ये 2B की पेंसिल है जिसका पॉइंट देखिए कितना पतला है, मतलब वो हार्ड है। तो आप जब भी पेंसिल शार्प करें तो ये बात ध्यान रखें कि आप पेंसिल को अच्छे से एंड स्लोली शार्प करें। जितनी पेंसिल हमारी सॉफ्ट होगी उतनी ही हमारी पेंसिल ईजिली ब्रेक होगी। जो H एंड B के हमारे बीच में जो पेंसिल आते हैं उसको हम H भी बोलते हैं, जो ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो उसको हम HB बोलते हैं या फिर मीडियम हार्ड कहते हैं। देन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये शेड्स कहाँ पे यूज़ करने होते हैं। तो जो हमारे लाइट शेड्स होते हैं HB, 2H, 3H, 4H, वो हमें बेस शेडिंग करते वक्त यूज़ करने होते हैं। एंड जो हमारे डार्कर शेड होते हैं 3H, 4H, 5H से लेके 12H या उससे भी ज़्यादा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो हम जब हमारी ड्राइंग में कहीं पे डार्क पोर्शन होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है अभी, ये कंपास बॉक्स पे एक ड्राइंग बना हुआ है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डार्क पोर्शन है, डार्क एरिया है, वहाँ पे हम डायरेक्ट डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी ड्राइंग में शेडिंग करें तो डायरेक्टली उसमें डार्क शेड ना करें, पहले लाइट करें फिर देन डार्क करें। तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी है कि लाइट टू डार्क जाना है, ना कि डायरेक्टली डार्क शेड करना है। तो ऐसा क्यों कि जब हम डायरेक्टली अगर डार्क शेड कर देंगे एंड हमें वहाँ पे कोई मिस्टेक मिली, हमें उसको रब करना हुआ, तो जब हम रब करेंगे तो जो प्रेशर हमने लगाया है उसकी वजह से जो पेपर है, पेपर के ऊपर वो टेक्सचर आ जाएगा एंड वो ड्राइंग को ख़राब कर देगा। तो बाद में जब हम ड्राइंग देखेंगे तो वहाँ पे वो मार्क्स रह जाएंगे। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आप पहले लाइट शेड करें देन डार्क करें। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होगी, तो वहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मैंने लाइट पेंसिल का पहले इस्तेमाल किया है। देन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे पिक्चर्स, उसके ऊपर मैंने डार्क पेंसिल का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया है, वहाँ पे मैंने मार्किंग किया है। तो आज की वीडियो में बस पेंसिल्स के ऊपर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बाकी के टूल्स जो ड्राइंग्स में होते हैं पेंसिल के अलावा, एंड वो हमारा टूल्स के ऊपर लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम ड्राइंग की शुरुआत करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।
एक और बात, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे मैं आर्टवर्क्स के रिलेटेड डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो जाइए एंड जल्दी से फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। कल ही हमारे इंस्टा फैमिली पे 1K मेंबर्स कंप्लीट हुए हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फ्यूचर में और भी अच्छे आर्टवर्क आपके लिए बनाता रहूँ एंड आपको हेल्प करता रहूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।